जनवरी का जलवा, साल की शुरुआत ही होगी मजेदार। 12 जनवरी से 17 जनवरी तक जय बालाजी पैकेज टूर्स आपको रामेश्वरम धाम और मदुराई घुमाएंगे सिर्फ 7,000 रुपए में, जिसमें ट्रेन टिकट, फैमिली डिलक्स रूम और घर जैसे खाने की सुविधाएं की जाएंगी, और वहां घुमाने के लिए होगी लग्जरी बस। बुकिंग की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2022। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। मैडम आज एक कैपिटल टैक्स के लिए स्थगिति आई है शासन की तरफ से, क्या बताएंगे? राष्ट्रवादी ने भी ये मुद्दा लिया था। मैं, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी तरफ से जो डिमांड रखी गई थी कि हमें कैपिटल वैल्यू टैक्स को रद्द करना चाहिए, उस पर आज हमें स्टे मिला है। मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे CM सर को, हमारी एक्स मेयर आई को, क्योंकि मुझे पता चला कि उनके लेटर हेड पे हमको ये स्टे मिला है। और मैं ये भी बोलूँगी कि अभी हमको थोड़ा सा आपने थोड़ा एक पैर हमने आगे बढ़ाया, हमको पूरा चलना सिखाइए, हमें ये मुद्दा रद्द करके दीजिए तो हमारे शहरवासियों को थोड़ा फ़ायदा हो। थैंक यू मैडम। शहर में बहुत NGO है, आम नागरिक है, इसका आंदोलन कर रहे हैं जी, तो इनके सपोर्ट में आप थे? देखिए हम लोग कॉमन मैन के सपोर्ट में हैं। अगर लोगों की अच्छाई के लिए कोई NGO या कोई भी लोग आगे आते हैं तो हम लोग उसके साथ हमेशा रहेंगे। देखिए ये विषय जब पिछले जून से स्टार्ट हुआ तब हमने व्यापारी संगठनों के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से 14 जून को हमने ये विषय लिया था, और सबसे प्रथम शहर में पहले ये विषय हमने ही लोगों को अवगत कराया था कि इस प्रकार की भांडवली टैक्स यानी कैपिटल वैल्यू टैक्स शहर पे लादी जा रही है प्रशासन की तरफ से, और नोटिसेस प्रिंट हो रहे हैं, निकलने वाले हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो जो संघर्ष हमने स्टार्ट किया, चालू किया 14 जून से, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंचम कालानी जी ने जो दबाव बनाया, देखिए अभी कल ही सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो मैं ऐसे कहूँगा कि अपने सरकार शिंदे सरकार के 100 दिन पूरे होने पे उन्होंने उल्लासनगर शहर को दीपावली का एडवांस में तोहफा दिया है। और ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स नाम का रावण शहर के नागरिकों, व्यापारियों, रहवासियों के ऊपर लादा गया था, जो हुंकार भर रहा था, हर रोज़ कई लोगों के पास नोटिस जा रहे थे, लोग परेशान थे, भयभीत थे और हमसे राय ले रहे थे, और अफड़ा तफड़ी का माहौल बना हुआ था, तो वो आज समाप्त हुआ। जैसे ही स्थगिति का आर्डर आया है तो मैं इसके लिए हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री और अध्यक्षा को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी सौगात शहरवासियों को दी है। अभी जो जबकि ये टैक्स को स्टे मिला है, स्थगिति मिली है, लेकिन कॉरपोरेशन ने पुराने हिसाब से बिल नहीं निकाले थे, अभी कुछ नए हिसाब से बिल जिनको उन्होंने नोटिस दिए थे और जिनकी हियरिंग हो गई थी उनको नए बिल्स दिए थे, तो मैं प्रशासन को भी ये गुहार लगाना चाहता हूँ अपने पक्ष के तरफ से कि वो जो भी नए उन्होंने बिल्स निकाले हैं वो सारे बिल्स भांडवली कर वाले रद्द होने चाहिए, और जो रेटेबल वैल्यू के हिसाब से जो पुराना हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था उस हिसाब से नए टैक्स के, प्रॉपर्टी टैक्स के बिल शहर में इशू होने चाहिए। और मैं नागरिकों से भी विनंती करूंगा कि जब भी आप पुराने रेटेबल वैल्यू के हिसाब से अपनी टैक्स भरते हैं तो महानगर पालिका टैक्स डिपार्टमेंट से नो ड्यू सर्टिफिकेट अवश्य लें, क्योंकि कभी भी आगे चल के गड़बड़ होती है फिर हमारे नो ड्यू सर्टिफिकेट एक काम की चीज़ रहेगी कि हमने आज तक सारे ड्यूज़ क्लियर किए हैं, वो आवश्यक है, ज़रूरी लेना चाहिए। हमने पहले दिन से ही लोगों को कहा था, जब से प्रशासकीय राज 4 अप्रैल से कॉरपोरेशन में हुआ है, नगर सेवक सब माजी नगर सेवक बने हैं, तब से प्रशासन ने ये कैपिटल वैल्यू टैक्स लोगों के ऊपर लाद दी, जो हवाला दे रही थी 2010 में नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है, 2016 की महासभा में इसको स्थायी समिति में पास किए। उस वक्त जब पास की गई थी तो JNRU से एक कंडीशन आई थी, अगर आप कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाएंगे तभी आपको बाहर का फंड जो भी केंद्र और राज्य सरकार का मिलेगा। उस सिलसिले में ये उस समय के नगर सेवकों को सही लगा और उन्होंने पास किया, पर उसके दर, उसका कर, उसका क्या मापदंड होना चाहिए, उसके रेट्स क्या होने चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए, ऐसी कुछ भी स्पष्टता नहीं थी। अधिकारी अब लोगों को कह रहे थे
बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, कि ये नगर सेवकों ने पास की, वो अपना ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ रहे थे, जबकि ऐसा कोई भी, हम खुला चैलेंज कर रहे थे, हमने कोई भी ऐसा रेट, कर दर, कोई भी ऐसा 6 साल की रिकवरी या किस तरह का मापदंड रहेगा, रेट्स क्या रहेंगे, हमने कोई तय नहीं किया, उनके पास का कोई जवाब नहीं था। और हमने खुला लोगों को बोला था, जब से नोटिस निकलने लगे, बिल निकलने लगे, आप इसको मत भरो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से, हम खुला लोगों को बोल रहे थे, लोगों के हमारे पास सैकड़ों फोन आते थे, कार्यालयों में आते थे, हम खुला भर रहे थे, इसका विरोध करो, इसको नहीं भरना है, नई बॉडी जब आएगी हम इसको आपको रद्द करके देंगे और इसका रेट आपको कम करके देंगे, जैसे आपको पुरानी जो टैक्स है, रेटेबल वैल्यू है, उससे भी कम होकर मिलेगी। कैपिटल वैल्यू ठीक है, टैक्स एक आगे के फ्यूचर के लिए अच्छा है, जो भी रेंटल बेसिस के हमारे शहर में मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं उनके लिए अच्छा है, पर उसका रेट बहुत हाई था, उसके ऊपर जो 6 साल की रिकवरी थी उससे ऊपर जो जो एड़िया भरा के उससे टैक्स वसूली जा रही थी, जो दुगना और तिगना हो रहा था, वो बहुत गलत था। तो हमने लोगों को कह दिया था, बिंदास इसको भरने का नहीं है, इसका विरोध करो। अधिकारी कमिश्नर हमको फ़ोन करते थे, आप लोगों को बोलते हो मत भरो, आपके ऊपर 353 के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आप शासन के हस्तक्षेप कर रहे हो। तो हमने बोला हमें किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि हमें मालूम था, हमने गवर्नमेंट से डिमांड की थी, हमने हमारी जो पूर्व महापौर थी लीले भाईशान, जो TOK के मदद से महापौर बनी थी, हमने उनको आग्रह किया था कि अभी शिंदे साहब की सरकार है, शिंदे साहब और आपके संबंध अच्छे हैं, वो महाराष्ट्र के पहले थाना डिस्ट्रिक्ट के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उल्लासनगर का सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए, उल्लासनगर थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उनसे हमने गुहार लगाई थी, उन्होंने पत्र व्यवहार किया था, और आज कैपिटल वैल्यू टैक्स को, बांडवली कर को स्टे आया है, भविष्य में इसको पूरी तरह से जो हाउस बनेगा उसके सामने लाया जाएगा, और जो भी रेट्स हैं, जो भी पुरानी रिकवरी है, उन सबको रद्द करके एक नई आकार की टैक्स हम उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, जो पुराने रेटेबल वैल्यू टैक्स से भी लगभग आधी होगी। पहले भी मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ का क्रेडिट डिस्क्रेडिट नहीं, शहर को राहत मिलनी चाहिए। शहरवासियों को पता ही नहीं था कि कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या होता है। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्षा पंचम कलानी, उल्लासनगर ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती, राजेश टेकचंदानी, इन सभी उन्होंने मिलकर जब पत्रकार परिषद दी, जब लोगों को जागरूक किया कि जब आप लोग बहुत कड़ा विरोध करना चाहिए, शहरवासियों ने ऑब्जेक्शन लेने चाहिए, ऑब्जेक्शंस के फॉर्म गए, व्यापारियों ने सड़कों पर उतरने की तैयारी की, सभी NGOs एक मंच पर आ गए, सड़कों पर उतर पड़े, सभी लोगों ने अपने साइन के अभियान चालू किया NGOs ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक विरोध किया, हमने लोगों को कहा कि टैक्स मत भरो, टैक्स भरना बंद कर दो। जब इस शहर के मनपा की तिजोरी में पैसे आने बंद हो गए, उस वक्त पर मनपा प्रशासन जागरूक हो गया, और उस वक्त पर हमको लोगों ने कहना चालू किया, हम लोगों को कहने लगे कि ये टैक्स भरना बंद कर दो, तो प्रशासन जाग उठा, कमिश्नर जाग उठे कि आखिर मनपा की तिजोरी में पैसे क्यों नहीं आ रहे, हमने रोक के रखा लोगों को। और उस वक्त पर हमने महापौर लीलाताई आशान, पूर्व महापौर लीलाताई आशान और राज्य के मुख्यमंत्री और खासदार साहब से गुहार लगाई कि कैपिटल वैल्यू टैक्स को रद्द किया जाए, पर एक बहुत अच्छा निर्णय आया है। मैं बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जो 4 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक लगी थी, उस बैठक में अरुण आशान के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे प्रतिनिधि उल्लासनगर के, और वहाँ पर ही एक अच्छा निर्णय तुरंत आदेश किया खासदार ने, और सभी इस बैठक में आदेश लेने के बाद वहाँ पर ही निर्णय दिया गया कि कैपिटल वैल्यू टैक्स को स्टे दिया है, पर पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है, पर स्टे दिया, शहर के नागरिकों को राहत मिली है। मैं इस निर्णय का कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय दिया है, और निर्णय देने के लिए मैं और एक बार, मेरे मन में एक खंत है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर स्टे तो आ गया, पर कोलोब्रो कंपनी के ठेके को कब रद्द किया जाएगा? वो ठेका जो पंचम कलानी ने महासभा में रद्द किया गया है, वो टेंडर को रद्द करने के आदेश दिए, पर वो आज भी हमारे शहर के नागरिकों के घरों में घुसकर, ज़बरदस्ती प्राइवेट लोग घुसकर वहाँ पर मौज माप कर रहे हैं। क्या हमारे शहर के नागरिक चोर नज़र आ रहे हैं? क्या हमारे शहर के नागरिक, रहने वाले व्यापारी चोर नज़र आ रहे हैं? ये भी रद्द करने के लिए फिर एक बार गुहार लगाएंगे राज्य के मुख्यमंत्री से कि आपने अब तक एक काम किया खासदार साहब कि हमारे कैपिटल वैल्यू टैक्स को स्टे दिया, पर बहुत बड़ा संकट है कि प्राइवेट आदमी हमारे घरों में घुस रहे हैं, व्यापारियों की दुकानों में ज़बरदस्ती कर रहे हैं, व्यापारियों के साथ में ज़बरदस्ती करके उनके प्रॉपर्टी के मौज माप कर रहे हैं। मौज माप करने चाहिए, पर प्रशासन के अधिकारी जाने चाहिए, हमारे नागरिक चोर नहीं है, हमारे शहर के व्यापारी चोर नहीं है, हमारे शहर के व्यापारियों को जानबूझकर चोर ठहराकर कोलब्रो कंपनी के जो लोग हैं हमारे घरों में घुस रहे हैं, हमारी दुकानों में घुस रहे हैं, वो ठेका रद्द किया जाए और राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे।
ये सिर्फ अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल, उल्हासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303 00005।